Good morning, students. Today we shall learn EVS of third class, chapter number first, living and non-living things. इसका मीनिंग होता है सजीव और निर्जीव वस्तुएं. The things are categorized into two main groups. जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. देयर आर सम फीचर्स, यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं दैट डिफरेंटिएशन लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो इन में इन दोनों में अंतर बताता है. सम ऑफ देम आर Described below, इनमें से कुछ जो है उनके बारे में बताया गया. Describe means होता है बताना, नीचे इनके बारे में बताया गया है. आप साथ के साथ अपनी कॉपी उठाएं और उसमें वर्ड मीनिंग नोट करते रहें जो जो मैं बताऊंगी. अब सबसे पहले आता है हमारा लिविंग थिंग्स ब्रेथ. ब्रेथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना. BREATHE नोट करो. BREATHE ब्रेथ मीन्स सांस लेना. ब्रेथिंग इज द मेन फीचर ऑफ लिविंग बींग्स. जो सांस लेना है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सजीवों में. इट कंटिन्यूज अप टू डेथ. यह डेथ मीन्स होता है मृत्यु. कंटिन्यूस होता है लगातार. यह मृत्यु तक लगातार चलता रहता है. We breathe in oxygen and give out carbon dioxide. We breathe, हम सांस लेते हैं. In oxygen, oxygen को अंदर लेते हैं and give out और बाहर निकालते हैं carbon dioxide. Living things have special organs to help in breathing. लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल और स्पेशल होता है विशेष. ऑर्गन्स होता है अंग. टू हेल्प इन ब्रेथिंग, सजीवों में एक विशेष अंग होता है जो उनकी सांस लेने में सहायता करता है. डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रेथिंग. अलग अलग प्रकार के सजीवों में जो सांस लेने के जो अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ह्यूमन ब्रेथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स. ह्यूमन मीन्स होता है मानव या मनुष्य. ब्रेथ मीन्स सांस लेना. थ्रो मीन्स के सहायता से. देयर नोज अपनी नाक एंड और लंग्स और फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं. इंसेक्ट्स मीन्स होता है छोटे जीव लाइक ग्रास शोपर. ग्रास शोपर का मीनिंग होता है टिड्डा. क्या होता है ग्रास शोपर? टिड्डा. हैव एयर ट्यूब्स, उसके एयर ट्यूब्स हवा की जो पाइपें होती हैं अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडी. उसके शरीर के साथ साथ हवा की छोटी छोटी पाइपें होती हैं जो उसको सांस लेने में सहायता करती हैं. यहाँ नीचे जो पिक्चर दी गई है आप इसकी देख सकते हो. ये ग्रास शोपर है और इसके ऊपर जो सर्कल करके दिखाया गया है यहाँ पर इसकी एयर ट्यूब होती हैं जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं. फिश हैव गिल्स टू ब्रेथ. फिश मीन्स मछली. हैव गिल्स, उसके गिल्स होते हैं जिसके द्वारा वो सांस लेती है. टू ब्रेथ, सांस लेना. मछलियाँ जो हैं गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं. एनिमल्स लाइक अर्थ वर्म, जानवर जैसे कि अर्थ वर्म जो होते हैं भूमिगत कीड़े होते हैं. एंड लीच मीन्स जोक ब्रेथ थ्रू देयर स्किन. जो छोटे जीव होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं या जोंक होते हैं वो अपने स्किन के द्वारा या त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं. प्लांट्स ब्रेथ थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स मीन्स पौधे. ब्रेथ मीन्स सांस लेना. थ्रो मीन्स द्वारा. टिनी मीन्स होता है छोटा. टिनी मीन्स क्या होता है? छोटा. पोर्स मीन्स होता है छिद्र. प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होते हैं. ऑन द मीन्स पर. सरफेस मीन्स होता है सतह. सरफेस मीन्स क्या होता है?
सतह है. ऑफ देयर लीव्स पत्ते के ऊपर कार्ड स्टेम स्टोमेटा जो प्लांट के जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र. वो उनके द्वारा सांस लेते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ. जो नॉन लिविंग का अर्थ होता है निर्जीव. थिंग्स मीन्स वस्तुएं. डू नॉट ब्रेथ सांस नहीं लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ए टेबल एंड ए चेयर डू नॉट ब्रेथ. जो मेज और कुर्सियाँ होती हैं वो सांस नहीं लेती. नाउ वी टर्न द नेक्स्ट पेज ऑफ आवर बुक. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जो सजीव वस्तुएं होती हैं जो सजीव प्राणी होते हैं उन्हें नीड मीन्स होता है आवश्यकता. फूड मीन्स भोजन एंड वाटर भोजन की और पानी की आवश्यकता होती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स All living things need food. All living things need food and water to grow. All means सभी. Living things means जो सजीव वस्तुएं होती हैं. Need food भोजन की ज़रूरत होती है and water और पानी की to grow बढ़ने के लिए. Grow means क्या होता है बढ़ना. एंड स्टे अलाइव और जीवित रहने के लिए. जो सजीव प्राणी होते हैं उन्हें बढ़ने के लिए और जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है. फूड गिव्स देम एनर्जी. फूड मीन्स भोजन. गिव मीन्स देता है. देम मीन्स उनको. एनर्जी मीन्स ताकत या शक्ति. एंड कीप्स देयर बॉडीज हेल्दी. और बॉडीज में होता शरीर. हेल्दी में स्वस्थ और उनके शरीर को स्वस्थ रखता है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड्स. जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम देम एंड अदर एनिमल्स. पौधे जो हैं जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और जो जानवर होते हैं वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं. एंड अदर एनिमल्स और दूसरे जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं. एवरी लिविंग बींग्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज ह्यूमन. एवरी लिविंग बींग्स सभी जो सजीव प्राणी हैं ईट डिफरेंट खाते हैं. ईट मीन्स होता है खाना. डिफरेंट मीन्स अलग अलग. काइंड मीन्स प्रकार ऑफ फूड भोजन के. एज ह्यूमन बींग मानव की तरह हैव देयर फूड इन द फ्रॉम ऑफ मिल्क. इन द एनिमल्स फ्रॉम ऑफ मिल्क मीट फ्रूट पर्ल्स एग्स हनी. जितने भी सजीव हैं जितने भी सजीव हैं वो अपना भोजन अलग अलग प्रकार से खाते हैं और वो अपना भोजन जीवों से भी प्राप्त करते हैं. जैसे कि मिल्क मीन्स दूध. मीट मीन्स मांस. फ्रूट मीन्स फल. पल्सेस मीन्स दाल. एग मीन्स अंडे. और हनी मीन्स शहद. ईटीसी मीन्स इत्यादि. ये सब भोजन मनुष्य करते हैं. बर्ड्स ईट्स द ब्रेड ऑफ कॉर्न. इंसेक्ट्स मोथ्स. जो बर्ड्स मीन्स क्या होता है पक्षी. ईट मीन्स खाते हैं. द ब्रेड्स द बीट्स सॉरी द बीट्स मीन्स होते हैं बीज ऑफ कॉर्न. कॉर्न मीन्स मकई. जो पक्षी होते हैं वो मकई के बीज को खाते हैं या दानों को खाते हैं. इंसेक्ट्स छोटे कीड़ों को खाते हैं. मोथ मीन्स जो कीट पतंगे होते हैं उनको भी खाते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द
help of air, water, sunlight and chlorophyll. जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे मेक देयर बनाते हैं उनका फूड मीन्स भोजन विद द हेल्प ऑफ की सहायता से, किसकी सहायता से, एयर हवा, वाटर पानी, सनलाइट सूर्य का प्रकाश एंड क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स और जो हरे पौधे नहीं होते लाइक मशरूम एंड फंगी, मशरूम और जो फंगी होते हैं ग्रो मीन्स बढ़ते हैं ऑन रोटेन थिंग्स, वो सड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उन पर बढ़ते हैं एंड टेक देयर फूड फ्रॉम देम और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. शी दिस पिक्चर, दिस इज ब्रेड एंड वी शी द ग्रीन पार्ट इज फंगी. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती. लिविंग थिंग्स कैन मूव. जो सजीव प्राणी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम सकते हैं. कैन मीन्स सकना होता है, मूव मीन्स घूमना, वो घूम सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सभी जो सजीव प्राणी होते हैं मूव मीन्स घूमते हैं, फ्रॉम द प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते हैं. इन सर्च, सर्च मीन्स होता है खोजना, ऑफ फूड एंड शेल्टर. शेल्टर मीन्स होता है रहने का स्थान. सजीव प्राणी अपने भोजन और रहने की जगह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं. समटाइम्स दे मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम देयर एनिमीज. कई बार ये अपने आप को, प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना, देमसेल्व मीन्स स्वयं की, फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने शत्रुओं से. एनिमी क्या होता है? शत्रु. अपने शत्रुओं से खुद की रक्षा करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. ह्यूमन बींग्स, मानव एंड एनिमल्स और जानवर कैन रन एंड वॉक. वो दौड़ते हैं और चलते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, अपने पैरों की सहायता से चलते हैं. इंसेक्ट्स, जीव एंड बर्ड्स फ्लाई द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. जो कीट होते हैं छोटे और पक्षी, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, विद मीन्स साथ, द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, अपने विंग्स मीन्स होता है यहाँ पर पंख, अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं. नाउ वी टर्न द नेक्स्ट पेज ऑफ आवर ईवीएस बुक. इन द सेम वे, इसी तरह फिश स्विम, जो मछली होती है वो स्विम मीन्स होता है तैरना, तैरती है. स्नेक्स, जो सांप होते हैं, क्रीप, क्रीप मीन्स होता है रेंगना. एंड फ्रॉग जंप, और जो मेंढक होते हैं वो कूदते हैं. ये अलग अलग प्रकार से बताया गया है, जैसे कि मनुष्य है या ह्यूमन है, डॉग है, काऊ है, ये सब चलते हैं अपने पैरों की सहायता से. और फिश तैरती है, स्नेक जो है वो रेंगते हैं, और फ्रॉग जंप करके चलते हैं. दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ. दे मीन्स वे, ऑल मीन्स सभी, मूव मीन्स चलते हैं, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे हैव लाइफ क्योंकि उनमें जीवन है. ये जितने भी जीव हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, इसका क्या कारण है कि उनके अंदर क्या है, जीवन है, लाइफ है. ट्रीज एंड प्लांट्स डू नॉट मूव बट सम ऑफ देयर पार्ट्स मूव. पौधे, पेड़ और पौधे, ट्री मीन्स पेड़ एंड प्लांट्स मीन्स पौधे, डू नॉट मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते. बट सम, लेकिन कुछ, ऑफ देयर, इनके पार्ट्स मीन्स भाग, मूव,
इनके शरीर के या इनके कुछ भाग जो हैं वो मूविंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए सनफ्लावर, सूरजमुखी. सनफ्लावर क्या आता है? सूरजमुखी का पौधा, ये जो पिक्चर में हमें दिखाया गया है. ऑलवेज फेस, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा. फेस मीन्स अपना जो चेहरा है वो करते हैं, या अपना फ्रंट जो पार्ट होता है उसको करते हैं. टूवर्ड्स मीन्स के सामने. द सन, जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, वो अपना जो मेन भाग है या फूल वाला ये जो हिस्सा है, ये इसको हमेशा सूर्य की तरफ ही करके रखता है. जिस तरफ भी सूर्य जाता है उसी तरफ ये अपने इस भाग को घुमा लेता है. पॉपी फ्लावर क्लोज पैट्स एट नाइट. जो पॉपी फ्लावर होता है, जो खसखस का पौधा या खसखस का फूल बोलते हैं, वो अपने आप को, अपने पत्तियों को बंद कर लेता है एट नाइट मीन्स रात में. नाइट मीन्स क्या होता है? रात में. एंड ओपन्स देम, और उनको खोलता है इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में सुबह. नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, टॉय, साइकिल, ईटीसी. जो निर्जीव जो वस्तुएं हैं, जैसे कि मेज है, टॉय मीन्स खिलौना, साइकिल मीन्स साइकिल होता है, ईटीसी आदि, ये डू नॉट मूव एज दे आर नॉन लिविंग थिंग. ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं चल सकते, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. पॉइंट नंबर फोर, लिविंग थिंग्स कैन फील. जो सजीव जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, फील मीन्स महसूस करते हैं. क्या करते हैं? महसूस करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव प्राणी फील द चेंजेस अराउंड देम. वो सब फील मीन्स महसूस करते हैं, द चेंज मीन्स जो परिवर्तन हुआ है, अराउंड मीन्स चारों ओर, देम जो उनके चारों ओर जो भी परिवर्तन होता है वो उसको महसूस करते हैं. थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स, अपने सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो उनकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनके सहायता से वो उनको महसूस करते हैं. ह्यूमन बींग्स, जो मानव है, एंड एनिमल्स, और जो जानवर है, हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स. उनके पांच जो हैं ज्ञान इंद्रियां होती हैं. सेंस ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रियां. द फर्स्ट ऑफ ईयर्स, आइज, नोज, टंग एंड स्किन. सबसे पहले हमारे आते हैं कान, आँख, नाक, टंग मीन्स हमारी जो जीभ होती है, एंड स्किन. इन सब से हम जो ईयर्स होते हैं ये हमारी सुनने में सहायता करते हैं, आइज से हम देखते हैं, नोज़ की सहायता से हम किसी भी चीज़ की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, उसको सूंघ सकते हैं, और जो हमारी टंग है वो हमें खट्टा, मीठा या नमकीन, इस टेस्ट के बारे में बताती हैं. एंड स्किन, जो हमारी स्किन है उससे हमें सर्दी या गर्मी का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए कैट कैन स्मेल ए माउस. एक बिल्ली चूहे को सूंघ सकती है. द कोल्ड विंड मेक्स अस शिवर. जो ठंडी हवा होती है उससे हमें कपकपी महसूस होती है या ज़्यादा सर्दी लगती है. इंसेक्ट्स ऑलवेज फ्लाई टूवर्ड्स द लाइट. जो छोटे जीव होते हैं, जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो हमेशा जहाँ पर भी उन्हें प्रकाश दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, वो उसी दिशा में जाते हैं, उसी दिशा में उड़ते हैं. प्लांट्स सच एज टच मी नॉट इज सेंसिटिव टू टच. पौधों में जो टच मी नॉट का, छुई मुई का बोलते हैं जिसको, एक पौधा होता है वो संवेदनशील होता है. सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील. टू टच, जब हम उसको टच करते हैं उसमें एक संवेदना उत्पन्न होती है. इट क्लोज वैन टच, जब भी हम उसको छूते हैं वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है. टच मीन्स क्या होता है? छूना. इन द सेम वे फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स शट देमसेल्फ बाय द सन
स्लाइट टच. उसी तरह से जो फूल होते हैं एंड लीव्स और पत्तियां होती है, कई प्रकार के ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं. प्लांट्स शट देमसेल्फ, वो जब भी उनके ऊपर कोई भी कीट आ जाता है वो अपने आप को शट मीन्स क्या होता है, बंद कर लेना. देमसेल्फ मीन्स खुद को, अपने आप को बंद कर लेते हैं बाय द स्लाइट टच. स्लाइट मीन्स होता है हल्के से टच पर भी. जब भी कोई भी कीट उनको हल्का सा महसूस होता है कि उनको टच हुआ है, वो अपने आप को बंद कर लेते हैं. ऑफ इंसेक्ट्स एंड रीओपन आफ्टर डाइजेस्टिंग देम, और बाद में वो रीओपन मतलब फिर से खुल जाते हैं जब वो उस कीट को डाइजेस्टिंग मतलब पचा लेते हैं. ए प्लांट कीप इन द शेड विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. पौधे जो होते हैं वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ ही, या डायरेक्शन मीन्स दिशा की ओर, सूर्य की दिशा की ओर ही बढ़ते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो कभी भी कुछ भी महसूस नहीं करती. ना उन्हें गर्मी सर्दी का पता चलता है, ना ही उन्हें दर्द होता है. ए टॉय विल नॉट क्राई इफ वी, ए टॉय, टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना. विल नॉट क्राई, कभी भी रोता नहीं है. आप सबने देखा होगा जो आपके खिलौने होते हैं, सब बच्चों के पास होंगे. क्या आपका कभी खिलौना रोया है? नहीं. इफ वी इवन इंसर्ट ए टिप ऑफ नीडल इन टू इट, अगर हम उनके अंदर सुई की जो टिप इस छोटी सी जो सुई की जो नोक होती है उसको उनके चुभाते हैं तो उनको कभी भी दर्द नहीं होता, ना ही वो उस दर्द के कारण रोते हैं. इसका क्या कारण है? क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग है. लिविंग थिंग्स ग्रो, जो सजीव प्राणी होते हैं वो ग्रो मीन्स बढ़ते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी सजीव प्राणी बढ़ते हैं. देयर इज ऑलवेज एन इनर कंटिन्यूस ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. यह हमेशा जो आंतरिक, कंटिन्यूस मीन्स होता है लगातार ग्रोथ, एक आंतरिक ग्रोथ होती है या बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है इन डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, ऑर्गन्स मीन्स होते हैं अंग ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में लगातार जो है अलग अलग प्रकार से वृद्धि होती रहती है. एज ए रिजल्ट, जैसे कि इसके परिणाम हम देखते हैं, लिविंग थिंग्स चेंज इन शेप एंड साइज, जो सजीव प्राणी होते हैं वो अपने शेप इस आकृति और साइज मीन्स आकार, अपने आकृति और रूप और आकार में बढ़ते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं. ए सीड, सीड मीन्स होता है बीज, ग्रोस इनटू ए सीडिंग, सीडिंग मीन्स होता है अंकुरित. आपने कभी भी कई बार देखा होगा जो चने होते हैं, उनको मम्मी, जो आपकी मम्मी होती है उनको भिगो देते हैं और भिगोने के बाद वो अंकुरित हो जाते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है. ए सीड, एक बीज, ग्रोज, उगता है इनटू ए सीडिंग, अंकुरित होकर, विच लेटर ऑन टर्न्स इनटू ए बिग प्लांट, और अंकुरित होकर ही वो एक बड़े पौधे में बदलता है. जैसे कि यहाँ पर नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, सबसे पहले यहाँ ये सीड है, बीज है, फिर इसका जो ये यहाँ पर छोटा सा भाग है ये अंकुरित हो रहा है, उसके बाद ही ये क्या बन रहा है, एक प्लांट. टर्न द नेक्स्ट पेज. ए किटन ग्रोज अप इनटू ए कैट. किटन हम बोलते हैं बिल्ली का छोटा बच्चा जो हमने यहाँ पर दिखाया गया है. ए किटन ग्रोज अप इनटू ए कैट, एक बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली का ही रूप लेता है, ठीक है. एन इन्फेंट, इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, ग्रोज अप इनटू ए गर्ल और बॉय, और छोटा जो बेबी होता है, छोटा जो बच्चा होता है वो एक लड़की या लड़के के रूप में बड़ा होता है. एंड देन इनटू एन अडल्ट, अडल्ट मीन्स होता है जो वयस्क होते हैं बड़े, उनके रूप में बड़ा होता है. फाइनली दे बिकेम ओल्ड एंड डाई, आखिरी में वो
बूढ़े हो जाते हैं. ओल्ड मीन्स क्या था, बूढ़ा होना, एंड डाई और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है. ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है. हैव यू एवर सीन ए क्रिकेट बॉल और ए डॉल ग्रोविंग इन साइज? क्या आपने कभी भी क्रिकेट का जो बैट होता है आप सबने देखा होगा, या जो बॉल होती है, या अपनी जो गुड़िया होती है, क्या उन्हें कभी भी आपने अपने साइज में बढ़ते हुए देखा है? नहीं. दिस इज़ बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स. इनका कारण क्या है कि वो क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं. डू नॉट ग्रो एंड रिमेन द सेम. जो निर्जीव होते हैं वो कभी भी बढ़ते नहीं हैं. एंड रिमेन और रहते हैं द सेम, सामान्य, इन शेप एंड साइज, और वो अपने रूप और आकार में एक समान रहते हैं. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. जो सजीव होते हैं वो जनन करते हैं या जन्म देते हैं. All living things have specific traits. देखो, all living things में सभी जो सजीव होते हैं, have specific होता है खास, और traits होता है विशेषता. सभी सजीवों में एक खास विशेषता होती है. To enhance होता है बढ़ाना. Their race, अपनी जो कतार होती है या जो उनकी श्रृंखला होती है. By the process called as reproduction. इस को ही हम, ये जो क्रिया विधि होती है इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, स्टीम ऑफ पोटैटो, जो आलू का जो तना होता है, स्टेम, प्लांट कैन रिप्रोड्यूस ओनली पोटैटो प्लांट्स. आलू के तने से हमेशा आलू का पौधा ही बनता है, किसी और पौधे का भाग नहीं बनता. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स that grow into new plants. जो पौधे होते हैं वो बनाते हैं बीजों को, that grow into new plants, और उनसे ही फिर जो नए पौधे होते हैं उनका जन्म होता है. New plants may also produce from stem, roots, leaves and fruits. जो नए पौधे होते हैं may also produce, वो बनाते हैं from stem, या वो बनते हैं stem, तना, root, जड़े, leaves, पत्तियाँ, and fruits और फल. ये सब पौधे से बनते हैं या पौधे के अंदर होते हैं. So big plants give birth to new plants. जो बड़े पौधे होते हैं वो नए पौधों को जन्म देते हैं. Birds and some animals like snake, क्रोकोडाइल, फिश, लिजर्ड, इटीसी. बर्ड्स मीन्स पक्षी, एंड सम एनिमल, और कुछ जो जानवर हैं, लाइक, जैसे कि स्नेक्स, सांप, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, फिश, मछली, लिजर्ड, छिपकलियाँ आदि, ले एग्स, वो अंडे देते हैं. Babies hatch from these eggs, और वो उन अंडों को सेते हैं जिनमें से बच्चे निकलते हैं. Human being give birth to babies, लेकिन जो मानव होता है वो बच्चों को ही जन्म देते हैं. Some animals, कुछ जो जानवर है, also give birth to their young ones, वो अपने, कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चों को ही जन्म, अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे डॉग है, कैट है, काओ है, टाइगर है, इन सब को, ये सब बच्चे को जन्म देते हैं. ये जो भाग है इसको भी ध्यान से देखेंगे हम. आर Reptiles lay eggs, but the female garter snakes gives birth to young baby snake. जितने भी जो हमारे रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे छिपकली है, क्रोकोडाइल है, ये मगरमच्छ हैं, वो सब जो हैं eggs देते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और उनसे बच्चे बनते हैं. लेकिन कुछ जो है सांप की प्रजातियाँ होती हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं. Turn the next page.
Now your lesson is complete. There are vocabulary tips. All things are categorized into living and non-living things. हमने पीछे पढ़ा है जो सभी जो जीव हैं उनको दो भागों में बांटा गया है. पहले है living और दूसरा non-living. ठीक है. Living things breath. They also need food and water. जो सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं और उन्हें भोजन और पानी की ज़रूरत होती है. Living things move also. जो सजीव होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं या गति करते हैं. Plants are also sensitive. पौधे जो हैं वो संवेदनशील होते हैं. Sensitive means क्या होता है? संवेदनशील. Living things grow and reproduce. जो सजीव होते हैं वो बढ़ते हैं और जन्म देते हैं या जनन करते हैं. There are multiple choice question. The first is निशान, fingertip. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट है इसे हमें टिक मार्क करना है. पहले ऊपर क्वेश्चन दिया गया है और नीचे थ्री जो है ऑप्शन है. बस तो इतना ही करते हो, कल कर लेंगे. नहीं इतना ज्यादा देखा है कौन ये वाला. हम जो अगला जो हमारा बचा हुआ है भाग उसको अगली क्लास में करेंगे. आज सिर्फ इतना ही करते हैं. थैंक यू.